हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि शेडी आई क्यू जी आज मैं आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं इस वीडियो में फ्रेंड्स अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो आपको कम टाइम में हंड्रेड प्लस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट डैश राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रेंड जो डायनमो होता है जिसे कि हम जनरेटर भी बोलते हैं इसका जो फ्रेंड्स बेसिकली यूज होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं डायनमो इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरेटर जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डैट इज ई एम आई वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंकड विद द कॉयल चेंजेस एंड इंड्यूस ई एम एफ इज सेटअप इन कॉयल फ्रेंड्स देखो डायनमो जो होता है उसे हम जनरेटर भी बोलते हैं और जो जेनेटर होता है फ्रेंड्स ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन डैट इज ई एम आई या फ्रेंड्स आप ये बोल सकते हो फेरेडे लॉ ऑफ फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है यहाँ पर ले देता हूँ फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेट इज ई एम आई अब फ्रेंड अगर हम बात करें जो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ है यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो होता है वेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉयल चेंजेस एंड ई एम एफ इज इंड्यूस इन द कॉय नेक्स्ट क्वेश्चन वट प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी पासकल्स लॉ पासक्ल्स लॉ जो होता है फ्रेंड्स ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो कि गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की पासक्ल्स लॉ जो होता है ये कहता है द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन और फ्रेंड्स जो पासकल्स लॉ होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया यानी कि एफ़ जो होता है वो पी मल्टीप्लाई ए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोन लेयर अब द सर्फेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल्ट्रा वायल्टेस अल्ट्रा वायल हमें बचाता है ओजोन लेयर जो कि हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में पाया जाता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ओजोन की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हैं ओजोन का जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो ओ होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है और जो फ्रेंड्स ओजोन लेयर होता है ये जो हमारा स्ट्रेटो

सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय आर रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई फ्रेंड्स ये जो फार्मूला होता है ये ड्राइव हुआ है ओम्स लॉ से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओम्स लॉ जो है फ्रेंड्स जिसने ये रिलेशन दिया था वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है तो यहीं से फ्रेंड्स फार्मूला डिराइव हुआ है रजिस्टेंस का अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो आर होता है ये रेजिस्टेंस होता है वी जो होता है ये वोल्टेज होता है और यहाँ पे जो आई है वो होता है करंट इसी से फ्रेंड्स यहाँ पे जो फार्मूला बना है वो बनाए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में रियर साइड का ट्रैफिक देखने के लिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कन्वेक्स मिरर की कन्वेक्स मिरर के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनेश्ड और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का ये हमेशा पॉजिटिव होता है और जो कनकेव मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का वो कैसा होता है आपका आंसर पॉजिटिव होगा यूजेस देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर वाइडली यूज फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में कन्वेक्स मिरर यूज होता है और इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प में भी कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्ट ट्वेंटी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फुल डिटेल में फ्रेंड्स कहने के लिए ट्वेंटी क्वेश्चन हैं जितनी मैं आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये हंड्रेड प्लस क्वेश्चनस होते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करवा दूँगा उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिविजन भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में याद हो जाए और लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का मैंने

एडजस्ट पे थिन होता है फ्रेंड्स मैं आपको बना के बताता हूँ देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ये जो आपके सामने है तो क्वेश्चन ने यही बोला था हमारा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मिडल में क्या होता है थिक होता है तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंस मिडल में ये थिक है और थिन कहाँ पर होता है एडजस्ट में तो फ्रेंड्स ये जो एडजिस्ट में क्या होता है ये थिन होता है तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये फोटो बना के बता दिया कि कन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव आपको ये याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव और फोकल लेंथ जो कनकेव लेंस का होता है वो नेगेटिव होता है और वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें कनकेव लेंस की कनकेव लेंस इज थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस फोटो बना के मैं आपको समझाता हूँ देखो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने कनकेव लेंस बनाया है यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि थिन में मिडल में क्या ये? है ये थिन है वहीं फ्रेंड्स क्या ये? थीक है ठीक है ठीक है तो मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कनकेब लेंस भी बना दी दि, बना बता दिया और कन्वेक्स लेंस भी बना के बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन फाइबर ऑप्टिक केबल जिसे कि हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश राइट आंसर इज ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रेंड जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ डेफिनेशन होती है द फिनोमिना विच अकर्स वेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्वेश्चन hey है फ्रेंड्स हमें ये बोला है कि जो लाइट होता है ना हमेशा ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ये इसकी डेफिनेशन होती है कंडीशन देख लेते हैं लाइट शुड बी लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी और सेकेंड कंडीशन जो है वो है देंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल ये सेकेंड कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है जो कि हमारा क्वेश्चन भी था मिरास फिनोमिना में यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड जो फ्रेंड स्पार्कल करता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और मेडिकल साइंस में जो हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है फ्रेन जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछेंगे कि एंडोस्कोपी में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है आपका आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा डायमंड स्पार्कल करता है क्यों करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिराज फिनोमिना का रीजन क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है ये सारे एग्जाम्पल थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की इंग्लिश में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी रवि जीके के नाम से बुक आपको जल्दी अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब वट इज द एस आई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज़ को मेजर करने के लिए एस आई यूनिट क्या होता है सही आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल डेसिबल जिसका सिंबल डी बी भी होता है ये एसआ SI यूनिट होता है मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश राइट आंसर इज ऑप्शन डी डिस्टेंस लाइट ईयर जो होता है फ्रेंड्स ये यूनिट होता है किसका डिस्टेंस का ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर अब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइट ईयर होता है ना इसकी वैल्यू होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है 9.46 पॉइंट फोर की पावर 15 मीटर जो कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है 9.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन की पावर फिफ्टीन मीटर जो है ये लाइट ईयर की वैल्यू है अब फ्रेंड्स ये वैल्यू कैसे आई है देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड है ना और टाइम कितना है एक साल यानी वन ईयर है यानी थ्री सिक्सटी फाइव डेज है और हमें पता है फ्रेंड्स कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ से फ्रेंड्स हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जब फ्रेंड्स आप थ्री इंटू

ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है यानी कि लेंथ की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे L के ऊपर वन आया है एम जीरो एल वन टी जीरो डायमेंशन फॉर्मूला है लाइट ईयर का ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे एस की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की चाहे सी डी एस एन डी एफ कैट पटवारी एग्जाम पुलिस एग्जाम पीसीएस एग्जाम टेट एग्जाम सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है मतलब हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है वहाँ पे फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है फ्रेंड्स इसी से जो सन पे जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है ये आपने याद रखना है अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना उसके टू टाइप्स होते हैं मैं यहां पर देता हूं आपको लिख के न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट होता है फ्रेंड्स यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स उसमें जो आंसर था वो था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न इज अ रिएक्शन थ्रू विच टू और मोर लाइट न्यूक्लियाइक कोलाइड इन टू इच अदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस दिस रिएक्शन टेक प्लेस विद एलिमेंट्स डेट हैव लो एटॉमिक नंबर सच एज़ हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन और फ्यूज़ टुगेदर टू फॉर्म अ एटम ऑफ हीलियम फिर देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो दो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उसको आपस में कोलाइड करवाया जाता है यानी कि हिट करवाया जाता है और एक हीवियर न्यूक्लियस को फॉर्म किया जाता है ठीक है इसमें हम यूज़ करते हैं दो हाइड्रोजन को और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट आता है वो हीलियम आता है मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा उसके बाद फ्रेंड्स एवरी स्टार इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन इज़ अ लाइफ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन इस लाइन का मतलब फ्रेंड्स ये था कि हमारे यूनिवर्स में जो भी स्टार है इवन सन भी जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हर्ट्स इज द एस आई यूनिट ऑफ डैश राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की फ्रेंड्स एस आई यूनिट होती है हर्ट्स ये या आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी वी कैन डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसोडल वेब एज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसोलेशन मेड बाई एनी एलिमेंट ऑफ द वेब पर यूनिट टाइम वन हर्ट्ज इज इक्वल टू वन कंप्लीट ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कि हम एफ से लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन टी एफ क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है टी क्या होता है टाइम पीरियड होता है और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन टू पाई तो फ्रेंड्स आपने रिलेशन याद रखना है एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाई ये आपने याद रखना है और फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज फिगर से समझाता हूँ आपको चीजें समझ आ जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि फ्रीक्वेंसी इज डिफाइन एज साइनोसोडल वेव एज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसोलेशन मेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ वेव पर यूनिट टाइम फ्रेंड सबसे पहले मैं आपके सामने एक साइन वेव बनाऊंगा ठीक है आपको पता होना चाहिए कि जो साइन वेव होता है ना ठीक है वो कुछ इस तरह का होता है या आप इस साइन वेव को फ्रेंड्स आप अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हो ठीक है देखो फ्रेंड्स वेव यहां से स्टार्ट हुआ था यहां पे खत्म हुआ है तो फ्रेंड्स यहां से लेके थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ यहां से लेके फ्रेंड्स यहां तक की जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और फ्रेंड्स यहां से लेकर यहां तक जो होता है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना फ्रीक्वेंसी और वेव में रिलेशन पूछा जाता है तो फिर फ्रीकवेंसी और वेव लेंथ रिलेशन होता है यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये म्यू है ये फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे जो नीचे जो मैंने लैम्डा लिखा है फ्रेंड्स ये होता है हमारा वेवलेंथ ठीक है तो आपको याद रखना है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट ए सी इंटू डायरेक्ट करंट यानी डी सी वह कौन सा डिवाइस होता है फैन जिसका यूज़ हम ए सी को डी सी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेक्टिफायर रैक्टिफायर डिवाइस का हम यूज़ करते हैं ए सी को यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको रेक्टिफायर की डेफिनेशन बता देता हूँ और रेक्टिफायर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट इंटू डायरेक्ट करंट बाई यूजिंग वन और मोर पी एन जंक्शन डायोड्स डायोड बिहेव एज वन वे वेल्फ डेट अलाउ करंट टू फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन ओनली दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन फ्रेंड देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रेक्टिफायर होता है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ठीक है डेट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इन टू डायरेक्ट कर जो कि ए सी को डी सी में कन्वर्ट करता है बाई यूजिंग वन और मोर पी एन जंक्शन डायोड जिसमें कि फ्रेंड्स हम वन या एक से ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं आपको फ्रेंड्स ये पता

ठीक है वाला टर्मिनल्स का पॉजिटिव होता है और वाला टर्मिनल्स का नेगेटिव होता है ठीक है तो हमेशा जो फ्रेंड्स करंट फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा यानी कि इस डायरेक्शन में होगा ओनली इन सिंगल डायरेक्शन वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें रजिस्टेंस की रजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स बाई डायरेक्शनल होता है चाहे आप पॉजिटिव यहाँ पर लगा दो चाहे नेगेटिव यहाँ पर लगा दो ठीक है चाहे यहाँ पर नेगेटिव लगा दो चाहे यहाँ पॉजिटिव लगा दो लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है डायोड में कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही वर्क

हाफ वेव रेक्टिफायर्स आर यूज एज सिग्नल पीक डिटेक्टर इन ए एम रेडियो मोबाइल फोन लैपटॉप चार्जर्स में भी रेक्टिफायर का यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर राइट आंसर इज ऑप्शन ए पास्कल पास्कल जो होता है फ्रेंड्स ये ऐसा यूनिट होता है किसका प्रेशर का यह आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया हैंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया फॉर्मूला होता है प्रेशर का पी इज इक्वल टू एफ ए देखो फ्रेंड्स प्रेशर जो होता है वो क्या होता है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है ये तो आपको पता लग गया फर्स्ट लाइन में फिर ये कहता है हैंडस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स यानी कि आप ये देख रहे हो कि जो प्रेशर है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के ठीक है और इनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है एरिया के हैं तो यही हमारी इसकी डेफिनेशन थी ठीक है और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि पी जो है प्रेशर है एफ है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और ए क्या है एक एरिया है और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये फॉर्मूला होता है किसका प्रेशर का और पास्कल भी इसका होता है जो कि हमारा क्वेश्चन था और बार भी होता है ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माओपिया और शॉर्ट साइट राइट आंसर इज ऑप्शन ए कनकेव लेंस कनकेव लेंस फ्रेंड्स हम यूज करते हैं कि अगर किसी भी इंसान किसी भी पर्सन का जो डिफेक्ट आ जाता है आई आई में जो कि मायोपिया जिसे मायोपिया बोलते, है बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मायोपिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस मैं फ्रेंड्स आपको ये समझाऊंगा कि ये जो मायोपिया डिजीजेज है आइज़ की ये होती क्या है ठीक है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उट ऑफ साइट बट क्लोज ऑब्जेक्ट आर विजिबल इजनोजिया वैट लाइट रेज डू नॉट फोकस ऑन सरफेस ऑफ द रेटिना बट इट फोकस जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट कंकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट माइपिक आई समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है friends? जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है ठीक है यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता अगर किसी भी पर्सन को ये बीमारी होती है तो है, होती है लेकिन उसके पास की चीज़ें दिखाई देती हैं दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती ठीक है और इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो लाइट रेज होता है ना कोई पता होना चाहिए कि रेटिना पे फोकस होना चाहिए लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रेटिना से पहले ही फोकस कर जाता है इसलिए ये बीमारी होती है और कनकेव लेंस का हम यूज़ करते हैं इसे ठीक करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट विच यूज साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोनर सोनर डिवाइस यानी सोनर इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड जिसे जिसमें कि साउंड वेव्स को यूज करते हैं टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सोनर की द फुल फॉर्म ऑफ सोनर इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये फुल फॉर्म होता है एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोनर मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इको रेंजिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं इट यूज इको इन टू डिटरमाइन द सी डेप्थ एंड लोकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिल्वर सिल्वर मेटल जो होता है फ्रेंड्स इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ऑफ ऑल मेटल सिल्वर हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इट इज़ कॉमनली डिनोटेड बाई के फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ अभी यहाँ पे सिल्वर भी बात हुई थी सिल्वर का सिंबल ए होता है एटॉमिक नंबर 47 होता है हमें ये कह रहा था कि ये लाइन हमें ये बताता है कि जो सभी मेटल्स में जो सिल्वर होता है इसका कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है और जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है फ्रेंड्स ये कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा हीट को कंडक्ट करता है उस पर मेज़र किया जाता है तो सिल्वर जो है फ्रेंड्स हीट को सबसे ज़्यादा कंडक्ट करता है और इसको हम के से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूँ रिवीजन वाला फ्रेंड्स पार्ट आप जरूर देखना सभी क्वेश्चन आपको कम टाइम में याद होने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डिवाइस डेट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑडोमीटर ऑडोमीटर डिवाइस का हम यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं देखो फ्रेंड्स हम जो अदर ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं ऑडोमीटर तो मैंने आपको बताया कि ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल यहाँ फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्कोप की बात हुई थी इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोस्कोप की ऑप्शन में एमीटर की भी बात हुई थी एमीटर होता है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पेयर एनिमोमीटर की भी बात हुई थी ऑप्शन में आप यहां देख सकते हो तो ये होता है फ्रेंड्स मेजर्स विंड स्पीड और यहां पे बैरोमीटर की भी बात हुई थी इट मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ द मेन रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन हमें यह बोल रहा था कि वन जो स्विमिंग पूल होता है ना उसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें उसकी डेप्थ ना थोड़ी कम नज़र आती है मतलब थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है तो ये कम डेप्थ क्यों नज़र आती है इसका रीज़न होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव और लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के टू लॉज हैं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन

टू इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सबसे पहला रूल क्या है वैन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन दे बेंड टूअर्ड्स नॉर्मल केस टू क्या बोलते हैं वैन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिगर से मैं आपको समझाता हूँ देखो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं एक दो मीडियम लेते हैं ठीक है नीचे वाला जो मीडियम फ्रेंड्स मैंने लिया है वो लिया है मैंने रेयरर मीडियम कौन सा रेयरर मीडियम एग्जाम्पल के लिए एयर ले लिया मैंने ठीक है और ऊपर वाला मीडियम मैंने ले लिया डेंसर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ वाटर ठीक है मैं क्या करता हूँ फिर दो मीडियम ले लिया मैंने ठीक है और बीच में मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ अब हम समझने की कोशिश करते हैं वन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम कभी भी लाइट अगर रेरर मीडियम से ये रेरर मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रहा है किसमें डेंसर मीडियम यानी ऊपर वाला मीडियम क्या है डेंसर है तो इट बैंडस टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि लाइट जो होगा वो बैंड करेगा किसके नॉर्मल के टुवर्ड्स ठीक है तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये एंगल ज़्यादा है ठीक है रेरर मीडियम वाला और डेंसर मीडियम वाला कम है, है? ठीक ये आपने से। फिगर समझाता अभी हमें ये कह रहा है कि कभी भी लाइट जो होगा डेंसर मीडियम से रेर मीडियम में जाएगा यानी कि लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम से ये डेंसर मीडियम था कहां पे जा रहा है रेयर मीडियम में तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल है इससे दूर मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेगा मतलब यहाँ पे फैन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा है आप ये देख सकते हो क्योंकि ये बैंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोसफेयर फैन जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोसफेयर लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का और इसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिविजन भी करवाने वाला हूँ द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू डैश राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ shorter वेवलैंस ऑफ सनलाइट इन द एटमोसफेयर फ्रेंड्स जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू होता है इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं आपको एक समझाता हूँ डिटेल में फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना बाई विच अम ऑफ लाइट इज रिडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन इंटरक्टिंग विद पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दीडियम नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग इसमें पहले जो साइंटिस्ट जिसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिया था वो था रिलेग इसने एक रिलेशन दिया था कि जो इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वो होती है वन अपॉन लैमडा की पावर फोर ठीक है वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, लैमडा इज वेव लेंथ फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि हमारा क्वेश्चन था क्लाउड्स का कलर व्हाइट होता है ये भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट जब भी सन sun, जो सनराइज़ करता है या सनसेट करता है उस टाइम कलर जो रेड होता है ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है और फिर जो सिग्नल्स में जो हम रेड कलर यूज करते हैं वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कंसेप्ट ही वहाँ पर यूज़ होते हैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है रिवीजन तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब आपको मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद हो जाए और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिविजन फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है रिविजन का अ डायनोमो इज यूज टू कन्वर्ट राइट आंसर इज मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन रिविजन का What principle explains the working of hydraulic brakes in automobiles? Right answer is Pascal's law. Ozone layer above the surface of earth provides a shield against? Right answer is ultraviolet rays. What is the SI unit of electrical resistance? Right answer is ohm. Next question. The type of mirror used in automobile to see the traffic on rear side is? Right answer is convex mirror. Next question. The dash lens is thick at the middle and thin at edges. Right answer is convex lens. Fiber optic cable used in communication works on the principle of right answer is total internal reflection of light. Next question revision ka. What is the SI unit for measuring intensity of sound or noise? Right answer is decibel or dB. Next question. A light year is the unit of right answer is distance name the process of production of energy in the sun right answer is nuclear fusion next question hertz is the si unit of right answer is frequency next question what is the name of the device used to convert alternating current yaniki ac into direct current dc right answer is rectifier what is the si unit of pressure right answer is pascal what type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia or short sightedness? Right answer is concave lens. The instrument which uses sound waves to measure the depth of ocean is? Right answer is sonar. Which metals, which metal has the maximum thermal or electrical conductivity? Right answer is silver. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिवीजन का नेम द डिवाइस डैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल राइट आंसर इज ओडोमीटर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स और आज की वीडियो जो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है फिफ्टी लाइक का टारगेट तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स जल्दी हमारी जी की बुक लॉन्च होने वाली है में. इंग्लिश में यानी कि जी इंग्लिश में लॉन्च होने वाली है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स ये बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी रवि जी के नाम से ये बुक आएगी ठीक है फ्रेंड्स रवि जी के नाम से और आपको फ्रेंड्स लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपेयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज राइट आंसर इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू राइट आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोसफेयर लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू राइट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंस ऑफ सनलाइट इन द एटमोसफेयर फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको 20 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाए और फ्रेंड्स अब मैं आपको इन थ्वेंटी क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ जिसका आंसर फ्रेंड्स आपने कमेंट करके बताना है अपना स्कोर कितना रहा है मतलब ट्वेंटी में से आपका स्कोर ट्वेंटी रहा है ट्वेंटी में से फिफ्टीन रहा है आपने कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चनो इज यूज टू कन्वर्ट फोर ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का प्रिंसिपल एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स फ्रेंड्स आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट करके और वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन लेयर अब द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का व्हाट इज दूनिट व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन रियर साइड इज नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस फोर ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का फाइबर ऑप्टिक केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश आंसर आपने कमेंट करके बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज नेक्स्ट क्वेश्चन अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश फोर ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन next question hertz is the si unit of dash next question what is the name what is the name of device used to convert alternating current ac into direct current next question test ka what is the si unit of pressure फ्रेंड्स अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माओपिया और शॉर्ट साइटेडनेस नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का द इंस्ट्रूमेंट विच यूज साउंड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का विच मेटल्स हैज द मैक्सिमम थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का वॉट इज द मेन रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपेयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू फोर ऑप्शन है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फ्रेंड्स मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए डिटेल में उसके बाद 20 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया और उसके बाद 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कम से कम फ्रेंड्स अपने टेन फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो फिजिक्स का वीडियो था पार्ट वन ऐसे मैं आपके लिए और भी पार्ट्स लेकर आऊँगा तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फ्रेंड्स जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है हमारी बुक का जो होगा फ्रेंड्स वो इंग्लिश में भी होगी ठीक है और हिंदी में भी आपको मिल जाएगी हमारी बुक का जो नाम होगा वो होगा रवि जी के फ्रेंड जल्दी आपको फ्रेंड्स ये अमेजन पे मिल जाएगा ठीक है वैसे मैं लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप फ्रेंड्स वहां से जाके बाय कर सकते हो अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है और फ्रेंड्स अब तक की सबसे बेस्ट बुक होगी ये मार्केट में तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट